तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले तो आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, एक दिन वीडियो लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं भाई लोग, आगे से ट्राई करूंगा भाई ऐसा ना हो। और जिन भी मेरे भाइयों ने इसका लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उनको पहले देख लेना। और जिन लोगों ने भाई यहां तक देख लिया उनको पता ही होगा कहानी क्या चल रही है। तो सैम और नेट पायरेट हेनरी के खजाने की तलाश में स्कॉटलैंड आ चुके हैं और यहां पे पूरी एक फौज इंतजार कर रही है जो कि रेफ और नेडीन रॉस की फौज है। और अब उनसे बच के खजाना लेके जाना है क्योंकि 3 महीने आई थिंक पूरे होने वाले हैं और 3 महीनों तक अगर खजाना नहीं मिला तो सैम को वो ड्रग लॉर्ड जिसका नाम है हेक्टर अल्काज़ार वो मार देगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू किया जाए। इन लोगों को ना मैंने भाई लास्ट टाइम मार दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक सेव गेम यहीं से ओपन हुआ है तो इस बार ही ना धूमधाम नहीं मचाएंगे, थोड़ा स्टेल्थ से काम करते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कमेंट्स में पूछा था तो आप में से ज्यादातर लोगों ने बोला कि भाई स्टेल्थ करो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे स्टेल्थ से जितने लोगों को मार सके ठीक है, अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो भाई धूमधाम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचेगा। ये देखो नीचे झांक रहा है भाई, बस अब तू नीचे ही झांकते रह, वहां से हिलना नहीं। ओके आगे भी 2-3 लोग हैं, आ जा भाई। ये है क्यों बोलते हैं यार, डरने के बाद ऐसे हूं कौन बोलेगा, मतलब चिल्लाएगा डर के, लेकिन कोई बात नहीं, अगर चिल्ला देता तो मेरा कवर ब्लो हो जाता। मेरे पीछे पीछे सैम है, सामने 2 आदमी है और एक और उधर भी है, अच्छा नीचे भी एक है, वाह भाई पूरी फौज जमा। अरे ये तो अपने आ रहा है, आ जा ये तो घासी में आ रहा है। मरने से पहले सब यही बोलते हूँ, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये मेरा 5वां गेम प्ले है और अभी मैंने ये बात नोटिस करी। सैम तू क्या कर रहा भाई, आराम से घूम रहा है। अच्छा सैम को कोई नहीं देखता है, ये अच्छी बात है, मेरे बिना देखे सैम मेरा कवर ब्लो नहीं कर सकता है जो कि बहुत अच्छा काम है। सैम अभी देखा ना आराम से घूम रहा था लेकिन किसी ने नहीं देखा, इसको मैं अभी नहीं मार सकता, सामने वो एक आदमी देख रहा है, जैसे ही वो घूमेगा इसको खींच लूंगा नीचे। वो आदमी तो हट ही नहीं रहा, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, ये देख रहा है मुझे, ऑप्शन नहीं था। खैर कि उस सामने वाले आदमी को पता नहीं चला, ये आके नीचे झांक रहा था, ये देखा कौन बंदा भाई लटका हुआ है पहाड़ से, सामने भी घास भरी हुई है, ये घास नहीं होती तो अपना क्या होता। देखो जब तक कोई नहीं देख रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही देख लिया फिर ऑप्शन बचेगा नहीं। जैसे रॉकी भाई ने कहा है ना, मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। देखो सैम आराम से घूम रहा है, सैम को कोई लेना देना नहीं है, सैम भाई हम लोग कवर में है। धमाके हुए जा रहे हैं, ये रेफ पूरा यहाँ पे सब कुछ उड़ा देगा क्या, जिस हिसाब से ये उड़ाया जा रहा है समझ लो खजाना अंदर है पहाड़ के अंदर, जो कि अंदर ही जाना है अपने को, तो ये खजाना को भी दबा देगा पहाड़ के नीचे। भाई खुदाई करके अंदर जाना चाहिए तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये 2 आदमी है, दोनों ऐसे खड़े, एक को मैं मार सकता हूँ लेकिन बगल में भी कोई देखना मत यार, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लपेट लूं। देखिए इसने देख लिया और सामने वाले ने देख लिया यार, नहीं देखा नहीं देखा, मतलब शक हो गया था दत्त तेरी की, शक हुआ तो मैं बच गया था, ज्यादा बचने के चक्कर में ना, ओ भाई गलती कर दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो 2-3 ही लोग बचे हैं, उन सबको भुला के हम लोग फिर से स्टेल्थ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, अब जब देख लिया तो अब धूमधाम मचा ही देते हैं। सैम है कहाँ, सैम भाई गोली खा के मर मत जाना, एक गया और सैम ने भी एक लपेट लिया, बहुत बढ़िया सैम, सैम ओपी कर लो भाई एक बार चैट में, पूरा स्टेल्थ इसको करते तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे आप लोग कॉमेंट करके बताना भाई, ज्यादा स्टेल्थ होना चाहिए, ज्यादा बूम बाम होना चाहिए या मिक्स, जैसे अभी हो गया, ये तो गलती से हो गया, मैं स्टेल्थ करने की कोशिश कर रहा था, दोनों मर गए, आई थिंक खत्म, इतने ही थे। Okay, we're clear. Let's hope we're done with these idiots. इतना मेहनत करके इस पहाड़ के पास आया हूँ भाई, अगर यहाँ पे नहीं ना मिला खजाना फिर देखना, ये पायरेट हेनरी का खजाना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, या सिर्फ कोई भाई खिंचाई तो नहीं कर रहा है। Careful. Might be unstable after the blast. Who does excavation with dynamite? Why not? Mercenaries. Think Rafe would know better though. Hey, Sam. Help me with this. What if it's the only thing holding the tunnel up? Then I'll apologize. All right. तो ये उठाने की वजह से अगर टनल पूरा गिर गया और ये दोनों मर गए तो नेट मरने से पहले सॉरी बोल देगा क्योंकि ये नेट का आइडिया था, पर खैर कि गिरा नहीं। There, see? No problem. Yeah, for once. सैम का भी कहना सही है यार, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई परेशानी नहीं आई, अब यहां से बस बढ़ते चलो, मैप वैप तो देते नहीं है, आंखें खुली रखो, एक सुरंग के अंदर जाना है, अब वही मैं खोज ही रहा हूं, अब यहां से आगे ही जा सकते हैं। स्नो की वजह से ना मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, जंप ही कर सकते और तो कोई ऑप्शन है नहीं। रेफ अभी फेस टू फेस नहीं आया ना सैम के साथ ना ही नेट के साथ,
बस वेट करो, जब आएगा ना वो पगला जाएगा यार, जब उसको पता चलेगा कि ये दोनों खजाना लूटने आए हैं। गिरना मत बस, कितने आराम से कर लेते हैं ये दोनों। सैम को ही देखो, बिल्कुल सच सच कमेंट सेक्शन में बताना, ये काम अगर रियल लाइफ में करने का मौका मिला कितने लोग करेंगे। मैं तो नहीं करने वाला भाई, देख के ही डर लग रहा है। कोई हार्नेस वार्नेस नहीं है इन लोगों के पास, अगर गलती की टाटा। ये अब नया क्या है? Hey, look down there. Old piratey looking ships. Yeah, all of this is good. Very good. Pirate ship dikh raha apne ko samne, yani ki sahi direction mein ja rahe hain. No crap. Remember extra careful. Thanks. Sam piche se taane bhi mare ja raha hai. Yaad hai na, khud bola tha extra careful rehne. Diary mein likhe bhi ja raha hai Nate. Ye sab baad mein hum log pad sakte hain clues ke liye. तो नैडीन रॉस की जो आर्मी पूरी काम कर रही है उसी के आसपास ही खजाना है, यानी ये खजाने के जितने करीब पहुंच रहे हैं खतरे के भी उतने करीब पहुंच रहे हैं। विक्टर बता रहे कि तूफान आने वाला है। We're about to head into the cave. Cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. Alright, keep the porch light on for you. Alright, call you soon. मस्त लोकेशन है नहीं? We made it. Quite the detour. Let's go see what Avery left for us. Yes, please. इसके अंदर पक्का खजाना है भाई। Those shoreline assholes were right next to this cave. Yeah, but I think we're the first ones in here. Nadine Rose की जो आर्मी है shoreline, वो इसी के बगल में है, यानी कि इस cave के बगल में है। पर उन लोगों को पता ही नहीं कि इस cave के अंदर खजाना है, इसलिए shoreline अभी तक यहाँ नहीं आई है। ये अच्छी बात है। Come on, through here. But I didn't eat a big breakfast. Creepy St. Dismas statues, check. Carved stairs, check. Nathan, I think it's safe to say we're in a pirate cave. Location देख के लग रहा है सैम और नेट को कि पायरेट लुक की गुफा में दरवाजा है। Sure looks like it. इस डोर को खोलने के लिए इस होल में हाथ डालना होगा, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने द मम्मी रिटर्न्स में देखा था, उसमें रॉक निकलते हैं स्कॉर्पियन किंग और हाथ खा गए थे जिसने भी हाथ डाला था। Give it a pull. What? Could be a trap. You're already in there. What's the worst that could happen? I lose my hand? So we'll get you a nice hook. Give it a pull. Nice hook. All right, here we go. नेट का अगर हाथ कट गया तो सैम उसकी जगह एक हुक लगवा देते। वो चलो अच्छा है, ट्रैप नहीं था तो हुक लगाने की जरूरत नहीं है। Really? गंदगी पोछ दी सैम के ऊपर। Hello, hello. It's pretty interesting decor. For those who prove worthy, paradise awaits. To those who prove false, behold your grim fate. Yeah, well, I guess Avery was a better pirate than a poet. Warning है एक तरह की। This isn't Avery's. अरे? What do you mean? Look. The Rhode Island pirate. Thomas Two. Yeah, but it can't be him. I mean, this is clearly his sigil, but Two died attacking the same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. If this really is Two's mark, then that means he's involved in all of this. How? अब एक नया पायरेट आ गया, थॉमस टू। अब इसकी क्या कहानी है? It's a damn good question. हाँ भाई, तो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन जवाब कौन देगा? So who do you think these guys are? Those who prove false, I guess. I think Avery or Thomas too were just trying to scare us. Good thing we're jaded treasure hunters. यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था कि जो भी अपने आप को वर्दी प्रूफ करेगा उसे ही खजाना मिलेगा, और जिसने प्रूफ नहीं किया उसकी किस्मत फूटेगी। About as safe as the others. It's held up this long. Famous last words. और ये मैसेज जिसने यहाँ पे छोड़ा है ना, वो एक दूसरा पायरेट था जिसका नाम है थॉमस टू। तो अब उसका इन सब से क्या लेन देना है? यहाँ पे किसी भी चीज पे चढ़ना ना बहुत बड़ी गलती है। It's okay, it's holding. Come on. सैम आ जाओ, सैम के टाइम में कहीं नहीं गिर जाए। These bridges are clearly not built to code. Sure they are. The pirate code. Not bad. मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ है कि वर्दी प्रूफ करने से खजाना मिलेगा, ये लिखा हुआ है मतलब वर्दी प्रूफ करोगे तो पैराडाइज यानी कि हेवन मिलेगा।
यहाँ पे यानी कि बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं वर्दी प्रूफ करवाने के लिए. I'm a pro at this by now. So the two built this place with Avery. I can't make sense of it. Neither can I. I mean, if Avery's trying to hide his treasure, why involve another pirate? Maybe he saw him as a part of his crew. Maybe he sent him one of those St. Dismas crosses. Yeah, maybe two took all the treasure for himself. Please don't say that. We'll find out soon enough. नेट मनुष्यत लगा रहा है, बोल रहा हो सकते है कि ट्यू सारा खजाना ले गया हो. तो वही सैम टेंशन में आ रहा है भाई, जान खतरे में है सैम की अगर खजाना नहीं मिला तो. तो वेलकम में बोलते नहीं है, ये राज भी उसी के साथ चला गया लकी के साथ. तो वही यहाँ पे बोलने का मेरा दिल कर रहा है, पीछे नहीं जा सकते हम. Well, we're not going back that way. At least we didn't get dropped in a pit or something. अब ये सामने किसी टाइप का पजल लग रहा है भाई मेरे को. ये क्या है? This is elaborate. You could say that. और ये कभी भी पूरा टनल गिर सकता है जिस हिसाब से धमाके हुए जा रहे हैं. I'm just gonna take the hand out. Whoa. ये जिसका स्केलेटन है ना, लगता है वो पजल सॉल्व नहीं कर पाया था. It's a pretty elaborate test. Trial? Yeah. Then this guy clearly failed. बेचारा ये फेल कर गया. अगर पजल गलत सॉल्व करके होल में हाथ डाला तो वही हाल होगा. बाल्टी. करना क्या है इसका, पानी भी होना चाहिए. ये तो रहा, पानी भरेगा. पानी भर लूंगा लेकिन ऊपर कैसे लेके जाऊंगा. अच्छा सैम को देना है, तब ठीक है. वही मैं सोच रहा था बाल्टी लेके उछलता कैसे. पानी भर दिया तो पजल सॉल्व तो नहीं होना चाहिए. वहां पे मुझे तीन क्रॉस नजर आ रहे थे, उसी का कुछ करना है. भरी भी बाल्टी को उस व्हील के अंदर रखने जा रहा है सैम. आई थिंक उससे कुछ होना चाहिए, गलत होगा तो मर ही जाएंगे, पता चल ही जाएगा. चार व्हील से आई थिंक ये सर्कल घूमेगा, लेकिन करना क्या है. Yeah, I'm guessing we're looking at Jesus, our good thief Dismas, and the jerk thief Gestas. I'm gonna figure the white cross is Dismas, so the black one is Gestas. तो क्रूसिफिक्स को बीच में रखना है सबसे ऊपर, व्हाइट क्रॉस को रखना है लेफ्ट साइड में, ब्लैक क्रॉस को राइट साइड में, और बाल्टी पानी भरी हुई सबसे ऊपर होनी चाहिए. चलो ठीक है, ये करना है. तो लाइट्स में लेके आना है सबको. तीन और एक चार लाइट्स दिख रही है आपको, तो बाल्टी पानी भरी हुई सबसे ऊपर होनी चाहिए. व्हाइट और ब्लैक क्रॉस को नीचे लेके आते हैं, बाल्टी को ऊपर लेके जाना होगा. सबसे पहले बाल्टी का काम करते हैं. अब आई थिंक सेकंड वाले को घुमाने से बाल्टी ऊपर चली जाएगी और ब्लैक क्रॉस भी नीचे आ जाएगा. अरे ये तो हो ही गया है जहां तक मुझे लग रहा है. Check it out. Something up there moved when you put the bucket on top. There's a channel running from the mechanism to the door. Okay, so bucket on top is good. Keep it there. क्रॉसेस को अरेंज करना है, क्रूसिफिक्स बीच में सबसे ऊपर. ये तो हो गया. Okay, that's gotta be it. Let's find out. Let's. So you're gonna pull the switch? Oh no no, I'd hate to deprive you of that privilege. Of course. There we go. हाथ डालने से पहले चेक कर लेता हूँ. सही लग रहा है. Hey, Sam, was Dismas to the left of Jesus? Well, are you looking at them from the front or the back? The front. Then yeah, he was on the left. Okay, that's what I've got. मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से नेट सेट कर दिया. मुझे तो सही लग रहा है, बाकी अभी पता चल ही जाएगा. अगर कांटे बाहर आए. ओ भाई नहीं नहीं, सही है सही है सही है कि गलत है. नेट जिंदा है यानी कि सही लग रहा है. Alright, see? Oh, shishkinates. Oh, make kebabs today. ये पायरेट्स लोग तो कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा जीनियस नहीं थे. So, if that was a test, what do you suppose it was testing exactly? Filling a bucket? I had to know about St. Dismas, whom I bet Avery and all of his crew were intimately familiar with. Not that hard of a test. Maybe it's not the only one. वही बात है. सैम भी बोल रहा है कि उतना हार्ड टेस्ट तो नहीं था ये, पर नेट ने इसका जवाब दिया है कि हो सकता है सिर्फ यही टेस्ट नहीं हो, आगे और भी हार्ड टेस्ट आने वाले हो. भाई इससे अच्छा ना स्कूल के टेस्ट है, नहीं कम से कम जान तो नहीं जाएगी. रस्सी लगाने का आ रहा है, इधर ही से जाना होगा. देख के समझ में नहीं आता कि उधर ही कूदना है या फिर गलत फहमी हो रही है.
अच्छा मैं पायरेट्स को जीनियस बोल रहा था, गलत नहीं भाई, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे ट्रैप बना के रखे हैं, इतना तेज दिमाग था पायरेट्स के पास तो चोरी चकारी क्यों करते थे, कुछ अच्छा काम कर लेते। अगर मैं बॉक्स के जस्ट नीचे खड़ा हो जाऊं तो मर जाऊंगा ना, अभी ट्राई नहीं करने वाला मैं, कभी ट्राई करूंगा लेकिन अभी जरूरत नहीं है, सामने वॉल के पास लेके जाना है ना। सैम तू उछल के चले गए, हाँ उधर ही जाना है। जब भी नेट और सैम टेस्ट के बारे में सोचते होंगे ना तो पायरेट हेनरी यही सोच रहे होंगे, रुको जरा सब्र करो आएगा और टेस्ट आएगा, अभी देखते जाओ और कैसे कैसे टेस्ट आने वाले हैं, फिलहाल ये सब भी करना कोई टेस्ट से कम थोड़ी है, सैम को फॉलो करते रहना। अच्छा याद है आप लोगों को मैं फर्स्ट एपिसोड में कंप्लेन कर रहा था कि ये हमेशा फॉलो करने क्यों बोलते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ता ढूंढने से ज्यादा अच्छा है कि फॉलो करो। I imagine it was easier when all the bridges and walkways weren't broken. I guess we're a couple hundred years late. Let's see what's in here. और अंदर जाते जा रहे भाई ये लोग, इतनी मेहनत करने के बाद अगर खजाना अब की बार नहीं ना मिला बहुत बुरा लगेगा। There's a low ceiling here. Watch it. क्या हुआ? Watch my ah. Oh. Can it? I see some light through here. चूहों का पीछा करना है कि सैम का पीछा करना है? चूहे कहीं लेके जाना चाह रहे मुझे, अच्छा नहीं मुझसे डर के भाग रहे, हो रियलिस्टिक गेम, मुझे लगा चूहे कहीं लेके जा रहे, ये भी कोई टेस्ट होगा। यहाँ नहीं आना है क्योंकि सैम यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे कुछ हो सकता है कलेक्टिबल्स हो तो वो सब मैं ले सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट होता है, चूहे लेके जाना कहीं चाहते हैं मुझे या ऐसी टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं नहीं चूहे कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, सैम यहाँ पे। Catacombs. That makes sense. We're under a cathedral. कितने सारे कॉफिन्स रखे हुए हैं, ऐसी जगह पे कोई ना कोई भूताह मूवी शूट होती है, लेकिन यहाँ नहीं फिलहाल, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ मैं। ये भूताह गेम नहीं है ना, लेकिन सेटिंग वैसी ही है, भूताह गेम टाइप की है, अंधेरा गुफा, अभी हेनरी पायरेट का भूत आ जाए तो एकदम वक्त बदल जाएगा भाई, जज्बात बदल जाएगा गेम का। किसी की आवाज आ रही है, Listen. No new finds to report. Anything noteworthy by the dormitories? Not unless you count some cleverly worded headstones. Have you finished digging by the chapter house? We have, ma'am. The northwest sites are wide open as well. And what about the southern perimeter? Not yet. It'll take us a day to move the crane over there. Nadine. Make it happen. In the meantime, see what you can dig up without it. I'll send a couple of men over right away. Good. Rafe, any luck with those manuscripts? जस्ट बगल में नेडीन और रिफ। We have a minute. Keep me updated. Yes, ma'am. सैम और नेट बगल ही में बातें सुन रहे हैं। ओ भाई, ये दोनों भी खजाने के बिल्कुल करीब ही हैं। जैसे ही खजाना मिलेगा, ये लोग आ जाएंगे। Did you hear? They found a whole annexed area under the cathedral. I did. Have you seen it? No. Why? Because there wasn't much left. After they'd finished finding them. My men have been a bit liberal with They're the dynamite. They're like 100 well-armed bulls in a china shop. But they've made more progress in 2 days than we've made in months. Progress? I can't analyze rubble. Nadine Rose ki army dhamaka karke sab kuch uda hi de rahi hai. Okay. Okay. Thank you. I'll let them know they need to give you a heads up before they do anything drastic. Or you can tell them to sit tight until I analyze the few clues that haven't been blown up. No, we can't sit around waiting any longer. All due respect, I think I have a bit more experience with this sort of thing than you do. We tried things your way. Bullshit. You've been wanting to level this place ever since we got here. No! I wanted to steal that cross long before it ever even made it to that auction. The same auction where I couldn't have my men around to deal with any surprises. The auction was the cleanest way but to get the cross. But instead of going with my gut, I'll listen to you. And now we have competition. Oh, well, I didn't think he'd show up. रेफ को नहीं लग रहा कि नेथन आएगा। Or maybe you wanted to draw him out. हो सकता है। Why the hell would I do that? Because you think you need him. रेफ को ऐसा लगता है कि नेट की जरूरत है इसको। Maybe you do. Point is, I'm done trying to do things the clean way. If the treasure is here, we'll find it. And if not, well, maybe it's time to move on. जानबूझ के रेफ ने चोरी करने दिया था क्रॉस ऑक्शन से ताकि नेट आए hey.
और खजाना ढूंढ लें। It's not personal. नेडीन रॉस ने बोल दिया है कि अगर कुछ टाइम में खजाना नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएंगे। I'll let you know if anything turns up. अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसका यही प्लान था कि सैम और नेट खजाना ढूंढे और ये बाद में चुरा ले। सैम के बारे में तो उसको नहीं पता है कि सैम जिंदा है। Let's get moving before they blow that treasure to bits. Oh, stop making out. Wait. You think she was right though? About what? About Rafe wanting to draw you out. As long as he doesn't get the upper hand, who cares? Doesn't matter. अगर ये सब रेफ का प्लान भी था तो नेट को फर्क नहीं पड़ता है जब तक रेफ के पास अपर हैंड नहीं आए। फिलहाल तो वो अभी पीछे ही है। What annex area you suppose they were talking about? It's got to be some side chamber because we're the only ones here. मुझे अब पता है क्या लग रहा है, जैसे ही इन दोनों को यहाँ पे खजाना मिलेगा रेफ टपक जाएगा खजाना लूटने के लिए। लेकिन एटलीस्ट चलो खजाना दिखे तो सही, बाद में तो हम लोग चोरी कर ही लेंगे उन दोनों से। Don't mind me. अच्छा याद है ना नेडीन रोस और नेट का जब आमना सामना हुआ था एपिसोड आई थिंक 3 में, तो कितना मारा था नेट को, एक अटैक मेरा नहीं लगा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेडीन ज्यादा खतरनाक है। रेफ तो कुछ नहीं है अभी तक, उसने ऐसा कुछ नहीं किया फिलहाल, थोड़ा सा पागल है लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ भी जलवा नहीं दिखाया है। ऊपर जाने का है लेकिन उतना ऊपर उछल नहीं सकते, यहाँ बूस्ट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ तो बूस्ट कर ही सकते हैं लेकिन नई सीढ़ी नहीं लगी हुई है ना। A little too high to jump up there unless you got a trampoline. Left it in my backyard. Oh, darn. Wait, do you have a trampoline? I wish. इससे नीचे करके वहां जंप कर सकते हैं, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। अगर नहीं जंप किया तो सॉरी नेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जंप कर जाना चाहिए। इतनी सब मेहनत करेंगे सैम और नेट और लास्ट में खजाना देखना नेडीन रोज की आर्मी ले जाएगी। आज देख लो ऐसा ही होने वाला है। मुझे दिख गया भाई आगे का कहानी। Hang on. Oh, look at you. One crate coming up. I thank you, good sir. अब इस क्रेट को वॉल पे लगा के ऊपर जा सकते हैं, तो इतना घूम के जाना। सैम दिमाग लगाया कर भाई कभी कभी, और मुझे भी बताया कर। सैम को ही फॉलो कर रहा था बचपन में, वही सही था। बहुत देर से एक भी आदमी नहीं आया जिसको मार सके हम लोग। We're definitely getting closer to the cathedral. Gotta say, this is far more sophisticated than I was expecting. Me too. Bridge is out. Gotta find another way across. ब्रिज टूटा हुआ है, ओ सामने तो दिख गया। Here goes nothing. ऊपर जाके चढ़ना होगा वॉल पे, उसके बाद उस क्रेट को आई थिंक आगे लेके जाना होगा आगे जाने के लिए। Good thing you're not heavier than the crate. Okay. Made it. अब इस क्रेट को आगे धक्का मार के ले जाना होगा और आगे लगाने के बाद फिर वही सेम काम करना है, हुक लगा के आगे जाना होगा क्योंकि यहां से वहां तक का ब्रिज टूटा हुआ था। चलो एटलीस्ट ये लोग बात करके कंफर्म कर देते हैं कि हाँ यही काम करना है, वरना मैप भी नहीं दिया है, कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है तो मुश्किल होता नहीं कि सही जा रहे हैं या नहीं, या तीन चार बार मर के पता चलता कि हाँ ये काम करना है। लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि क्या काम करना है, लटक के हुक लगा लेता हूँ। गिर के हुक लगाने से अच्छा अभी हुक लगा लिया जाए, वॉल पे दौड़ना है। ये सब खेल के ना प्रिंस ऑफ पर्शिया की बहुत याद आ रही है। Who needs bridges? Oh, no, I wouldn't mind bridges, per se. नेट को ब्रिज की जरूरत नहीं है। Well, can't go through there. So how do we get through? Sam, follow me. Over here. इस गेम में एक्शन है, एडवेंचर, मतलब टोटल पैकेज है अनचार्टेड। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि 5 में कितने स्टार्स दोगे अनचार्टेड 4 को। This place wasn't completely falling apart, we'd probably be trapped again. Nathan, look around. Holy crap. This must have been another test, but it all just crumbled into the ocean. Huh? I guess the test now is how the hell do we get to the other side? यहाँ पे एक और टेस्ट था लेकिन सब कुछ टूट गया है और वो टेस्ट जो भी था वो टूट के पानी में चला गया है। टेस्ट तो है नहीं फिलहाल लेकिन अभी देखना ये कि उस साइड कैसे जाएं क्योंकि सब कुछ टूट गया है। That really safe looking wooden seesaw thing might do the trick. Worth a shot. Seesaw कभी अच्छा नहीं हो सकता है, इस जगह पे सीसॉ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दौड़ के जाऊंगा नीचे हो जाएगा, एक आदमी को खड़ा होना होगा पीछे। सैम भाई आगे नहीं जंप कर सकता हूं मैं, वही तो मैं भी बोल रहा हूं। सैम आना भाई,
एक ही आदमी उस साइड जा सकता है, दोनों नहीं जा सकते फिलहाल। ठीक है सैम मेरी मदद कर रहे हैं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर सैम कैसे आएंगे? Made it. All right. Now, what about me? Right. Just let me look around. Check out all that machinery. You know, really makes you appreciate everything that goes into making one of these death traps. Don't be glib. Any luck? Yeah, give me a sec. इस बॉक्स को सीसॉ पे रख सकते हैं। Okay, I found something to weigh down the seesaw. Excellent. You sure that'll work? It's heavier than I am. I don't know about that. Yeah, yeah. There we go. खतरनाक। Hey, nice air time. मेरे आने के बाद ही टूटना क्यों चालू हो जाता है? बस बस पहुंच ही गया। सैम नहीं होते तो नेट का क्या होता? There, thanks. There's another test down. At this point, I'd rather take another death trap. At this point, I hope we're at the end of this thing. Okay, getting a bit dramatic with the statues here. Seriously, why decorate a treasure burial site? Or build elaborate tests? खजाना ढूंढने के लिए सही बात है कि इतना मतलब टेस्ट पे टेस्ट क्यों हुए जा रहा है? ये वर्दी प्रूफ करने वाला क्या लोचा है? I'll never get used to this. अब कुछ नया कांड होने वाला है, कांड ओपी कर लो भाई, सिर्फ कांड ही हुए जा रहा है इन दोनों के साथ। It's another cross. यहाँ पे कोई और टेस्ट होने वाला है। At least this one has some jewels on it, right? Whoa, whoa, don't touch it. What? Why? Look at it. It's the only valuable thing we've seen in this cave. Right. This is another test. Agreed. Yeah. Or lack thereof. Okay, so it's gotta be the coins. Are we sure about this? I'm pretty sure. Pretty sure we'll have to do. Just one now. Agreed. I got it. लालच नहीं करना है, सिर्फ एक ही उठाना है। Please don't be a trap. डर लग रहा है सैम को। खजाना निकल के आने वाला है, ऊपर से एक भारी बॉक्स आएगा खजाने का, लाइट जल गई, खजाना अब दिखेगा। अब ये क्या है? You recognize the shape? It's Madagascar. Madagascar, एक और नक्शा। ओ भाई नहीं 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 नहीं। Star right here. एक और मैप, एक और लोकेशन। It's King's Bay. Yes, it is. Son of a bitch. He's screwing with us. सही बात है। What are you talking about? Avery, he's screwing with us. This was supposed to be it. So where's the goddamn treasure, huh? I mean, King's Bay, great. Well, what's next? North Pole? Outer space? खजाना है भी कि नहीं है? Nathan. मुझे भी अब नहीं समझ आ रहा। For those who prove worthy. नेट अलग ही सोच में है। Paradise awaits. He was recruiting. Who was recruiting? Avery was recruiting. Recruiting for what? अब ये क्या? आ गए यार। नेडीन रोसा और उसकी आर्मी। रिफ कहाँ है? खजाना भी नहीं मिला, आ भी गए ये लोग। You gentlemen are very, very noisy. Guns on the floor. Slowly. लो, गन भी छीन ली। Must have heard you from last time. Throwing me out a window didn't do it for you. Rafe. Rafe, come in. I'm at the graveyard. Nadine, they were here. Yeah, I'm looking at them right now. What? Where are you? Come back to the cathedral. Follow the holes. I'm on my way. And for God's sakes, don't shoot them yet. Not want to hurry then. Rafe, जल्दी नहीं आया तो ये गोली बस मारनी वाली है नेडीन रॉस। King's Bay. इसको भी नक्शा पता चल गया। Yeah, but Where in King's Bay? सही बात है। King's Bay में कहाँ? You'll need that cross over there to figure it out, but there's only two people that can tell you how to use it. Let me guess. You two. Well, I'll leave it to Rafe. You're going to be waiting a long time. Sorry, boys. I'm not here to negotiate. Bring me the crucifix. क्रॉस नहीं उठाना था। It's not a crucifix. What?
Technically, a crucifix refers to cross that... You know what? Never mind. बेवकूफ बना दिया. Don't touch it! लो. यही तो चाह रहे थे दोनों. भागने का एक मौका मिल गया है. अपने पास गन नहीं है. ये वाला मिशन तो आई थिंक स्टेल्थ से ही करना होगा. लेकिन स्टेल्थ यूज कैसे करेंगे? सबको तो अपनी लोकेशन पता है. सैम को फॉलो करना है. सैम मैं आ रहा हूं भाई, छोड़ के जाना नहीं. कुछ नहीं कर सकते गोली खाने के अलावा. सैम बचा नहीं पाया, मैं मरा. नहीं नहीं, अभी जिंदा हूं, अभी हम जिंदा हैं. मुझे कवर करेंगे. सैम के पास, खुद के पास गन है. मेरे को कवर कैसे करेंगे सैम? सामने से गोलियां पड़ रही हैं. अरे घूम मत उस साइड. इसी वॉल को अपना कवर बना के रखना होगा. यही मौका है. ये गन बस मेरे हाथ में आ जाए ना. अरे तू गया भाई. सुपरमैन पंच उड़ के सड़ी भी गन ही सही, लेकिन नहीं से बेटर है. और आदमी लोग आ गए मशीन गन लेके. उनके ऊपर तो दीवार गिर गई, लेकिन आगे कैसे जाए? नेट आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है. सैम को फॉलो करना है, ऊपर से होके जाना है. ठीक है, उधर से गोलियां पड़ रही है, लेकिन बहुत दूर है वो लोग. सामने ही जाके मार सकता हूं मैं. जल्दी जल्दी जल्दी, उधर से गोलियां पड़ रही है. लाल पीला कर दिया है मुझे. सैम जल्दी आके सबको कूटना चालू कर दो. बहुत आदमी लोग हैं यहाँ पे. सैम मेरे पीछे छुपा के भाई. चलो ठीक है. दोनों भाई मस्ती किए जा रहे हैं. इतने इतने आदमी पीछे पड़े हुए हैं. दोनों भाई ओपी यार. एक डायनामाइट मिल गया, चलो काफी है. बहुत ही छुप के गोली मार रहा है ना. कवर लेके भाई साहब गोली मार रहे. ये ले. मरा के नहीं मरा रे, ये बच गया. सैम बढ़ते चलो. अभी तक तो सबके पास सड़ी भी गन है, तो ये अच्छी बात है. शॉटगन लेके आ रहा हूं भाई. ये मार देगा. देखा, एक गोली में मेरी पूरी हेल्थ ले गया ये आदमी. चलो अच्छा ही, इसकी शॉटगन अब मेरी. लेकिन ऐसे एक ही मिल जाता ना, ज्यादा अच्छा रहता. ये शॉटगन से सबको चिपक के मारना पड़ता है, लेकिन एक गोली में काम भी हो जाता है. शोर लाइन की आर्मी को मैं बहुत मिस कर रहा था. अब सारे लोग आ गए हैं. यहां से इतनी आसानी से निकलने देंगे नहीं. अपने को रास्ता पता चल गया अगले खजाने का, जो कि किंग्स बे में मेडागास्कर. लेकिन यहां से निकलेंगे तब तो बॉम्ब. शॉटगन है अपने पास. एक गोली काम खत्म. लेकिन वही है कि रेंज ज्यादा नहीं है. एक ही उठा लूंगा भाई. हाँ, एक ही दे दे अपना. बहुत आदमी लोग हैं यहाँ पे. इसी दिन के लिए मैंने डायनामाइट बचा के रखा था. ये लोग छुप के दिमाग खराब कर रहे हैं. ये ले भाई, एक तो मरना ही कम से कम. सैम पतली गली से निकल लेते हैं. Long story. Short version is get us the hell out of here. Yeah, pick it. Hold tight. Be there as soon as I can. ठीक है, विक्टर से बात हो गई. वो अपना प्लेन लेके आ रहे हैं. यहाँ से जल्दी निकलो. आर्मी क्योंकि बढ़ते ही जा रही. ओ भाई, ये GF वाली गन रखी हुई यार, बड़ी माँ. वो तो चाहिए मेरे को. लेकिन उसने अपना पूरा फेस कवर किया, उसको मारे कैसे? अच्छा, सामने डायनामाइट रखा हुआ है, मैं समझ गया. डायनामाइट से उसको मारना होगा. पहले इन सबको मार देता हूँ, उसके बाद उसके पास चला जाएगा. सैम दो तीन गोलियां तू भी चला ले यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं गोली चलाने में. अब उसको मारना होगा. ओ भाई, ऐसा लग रहा है सही में KGF देख रहा हूँ. मुझे प्लीज उठाने का ऑप्शन देना उस गन को. जहां तक मुझे लग रहा है उठाने का ऑप्शन देना चाहिए, यानी पकड़ने का. उठा थोड़ी सकता हूँ. पूरी हेल्थ खा जा रहा है मनुष. सामने नहीं आने दे रहा है. इतना दूर से डायनामाइट नहीं पहुंचेगा. आगे जाना ही होगा डायनामाइट फेंकने के लिए. नहीं नहीं, आगे जाना होगा. तू मरने वाला है, मैं आ रहा हूं. मर जा. गोली, हाँ गोली चलना बंद हो गई. मर गया वो. सबसे पहले सबको छोड़ के उस गन के पास चलते हैं. मुझे रॉकी भाई बनना है. आदमी लोग हैं यहाँ पे, तेल लेने जाओ तुम लोग. अब तो हाथ पे आ गए भाई गन. मेरी बारी बोल दिए नेट ने. बहुत तंग कर रहे थे भाई इसी बात पे. KGF क्यों OP होनी चाहिए? और लगा के रखो गन भाई,
ऐसी गन लगाओगे तो लूंगा ही मैं। चलो साफ हो गए, छोड़ने का मन नहीं है लेकिन आगे जाना पड़ेगा। आई मिस यू गन। आगे ऐसी ऐसी गन मिलते रहे। मैं आज ही बोल रहा था ना टोटल पैकेज है, देख लिया, मतलब खुश करते जा रहा है गेम आगे और पता नहीं क्या क्या यूज करने मिलेगा। फिलहाल तो मैदान साफ दिख रहा है। स्नाइपर, ओ भाई ये मैदान साफ नहीं था, ये चुप थे ये लोग जानबूझ के। स्नाइपर खड़ा हुआ है यहाँ पे, अब उसके स्नाइपर भी छीन सकते हैं, वहां जाना होगा। लेकिन एक और आदमी है यहाँ पे, आ रहा हूँ मैं तेरे मुंह पे डायरेक्ट लैंड करूंगा। स्नाइपर उठा लिया जाए, स्नाइपर यूज करने का भी मौका मिल गया है। दूर में काफी लोग आ चुके हैं, देखो इसके स्नाइपर कैसा है। अरे लोड कर ले भाई, लोड कर ले, पहले एक घंटा लोड किया है। आते जाओ मरते जाओ, एक और स्नाइपर, ओ हो हो, पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ आते स्नाइपर। दो स्नाइपर्स लोग आए थे, साफ बॉम। आगे बढ़ा जाए सैम, आ जाओ, जितना जल्दी यहां से भागे उतना अच्छा रहेगा। ऊपर और भी आदमी लोग हैं, गोलियां तो चल ही रही हैं। कोना पकड़ो, उठना चालू कर दो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही करीब है। इन पे स्नाइपर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। स्नाइपर में ऐसे दो ही तीन गोली बची है, ले देखे तो दूर में जो आदमी लोग हैं ना, ओ हो भाई बॉम्ब फेंक गया यहाँ पे। बहुत देर से वो मारे जा रहा है ना गोली। स्नाइपर निकाल लो तो भाई, बच गया। एक बार और देखना, चलो ठीक है, ऐसा लग रहा है सब मर गए, भागो यहाँ से। यहाँ पे कहीं लैंड करने की जगह नहीं, पानी में उतरना होगा अपने को। स्नाइपर अब फेंक देनी चाहिए, तीन ही गोली बची है। आगे जाके किसी गन छीन लूंगा मैं, क्योंकि जिस हिसाब से आदमी लोग आए जा रहे हैं स्नाइपर अब काम नहीं आएगा। हाँ ये ठीक है, थैंक यू भाई जिसने भी ये गन रखी थी यहाँ पे। सिंगल शॉट गन है लेकिन इसमें स्कोप लगा हुआ है, ऑटोमेटिक नहीं है ये, लेकिन असरदार है, दो तीन गोली काफी है। नीचे नीचे उतर, अरे वाटर तो यहीं से दिख रहा है लेकिन कूद नहीं सकते है ना, लैंड भी है वहां पे। इधर से पानी में प्लेन उतार के खड़े हुए विक्टर, इसको डायरेक्ट जबड़े में पड़ने वाला है सुपरमैन पंच। उनके बारे में भूल जाओ और भागते रहो। अच्छा मतलब मारने पे ध्यान नहीं देना है, भागते रहना है। नहीं नहीं नहीं, जो मिलेगा मार दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो रास्ते ही में खड़े हुए मनुष्य लोग। अब बताओ इधर इतनी इतनी गोलियां पड़ रही हैं, इनको छोड़ के कैसे चला जाऊं। हाँ भाई ना, सबको मार ही के जा सकता हूं भाई, आगे कैसे जाऊंगा। मुझे ना ऊपर थोड़ा सा जाना होगा, अच्छा वेंटेज पॉइंट लेने के लिए। ऊपर चलते हैं, जो भी दिखे उसके मुंह पे गन। इस बार ये अंधाधुंध फायरिंग, फुल मैगजीन इसके हाथ पैर पे खाली कर दी है। विक्टर के प्लेन पे वो लोग शूट कर रहे हैं, प्लेन ही डूब जाएगा अगर जल्दी नहीं गए तो। अब मारने पे ध्यान नहीं देना, भागने पे ध्यान देना है, लास्ट ही चांस है, अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं। अब ऐसे मुंह पे सवार खड़े रहेंगे भाई तो आदमी डायरेक्शन कैसे ढूंढेगा। जल्दी मारो और भागो यहां से। सैम देख लिया कर भाई जाना किधर से। अच्छा इधर बगल ही में था मेरी गलती है। झूल के पानी में डायरेक्ट, प्लेन तो सामने ही है, अब रुक नहीं सकते। अच्छा तैरते हो, मुझे ही ले जाना हो, मुझे लगा स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। प्लेन से भी धुआं निकल ही रहा है, मार के भाई धुआं धुआं कर दिया है।
विक्टर को लग रहा होगा कि खजाना लेके आ रहे हैं, पर ये दोनों एक नई लोकेशन लेके आ रहे हैं, किंग्स बे। खजाना कहाँ मिला भाई? खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है। That was a close one, huh? They shot up my goddamn plane, mate. Fine, thanks. How soon can you get us to Madagascar? No treasure, then? Not yet. I don't know what you're talking about. Look, we're rich. Jesus. Suppose it's a start. You think the rest is in Madagascar? Well, there was a chamber back there with a giant map of Madagascar on the floor, so... Yeah, it's probably there. This is beginning to smell a whole lot like wild goose, kid. Look, the treasure was never in Scotland, okay? Then what was the point of all that, huh? Of the St. Dismas cross? It's like I said. I think Avery was recruiting people. The cross was an invitation. The caves were just some sort of initiation. Oh, so we all passed, huh? Congrats, Victor. We get eye patches and parrots now. I don't get it. Why the hell would they go to all that bother just to weed people out? To protect himself. Look, Avery was the most wanted man in the world at that time. He had to enlist people that he could trust in order to keep their treasure secret. What do you mean, their treasure? Just think about this. Thomas Tew was a successful pirate in his own right. What would he possibly stand to gain from joining Avery? I think Avery sent out crosses only to the other wealthy pirates like himself. What if they pooled and hid all their treasure together? Oh, bhai, bahut sare khazane milenge. That would make the guns way all look like chump change. Exactly. Oh, holy shit. Okay, so where exactly in Madagascar are we going? King's Bay. It was an old pirate haven back in Avery's time. I know it well. It's a big place. Anything more specific? Well, that map chamber completely caved in, so, you know. What are you laughing about? The people who survived the caves. The recruits. What's the one thing they would have left with? जो उस केव से बच के निकलेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉइन रहा था, कॉइन पे अगला क्लू है। There's a volcano on this. There's a volcano near King's Bay. वहीं जाना है। Which means we need to get a move on. Volcano है King's Bay के पास, वहीं अपनी next location है। तो यार ये खजाना नहीं, बहुत सारे खजाने होने वाले हैं। तो पायरेट हेनरी ने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया था अपने साथ। ये फोन किसका दिखा रहा है? इलीना, नेट की वाइफ। Hey, hey Nate. Hi, honey. Oh, hi. I've been trying to get a hold of you. Are you okay? Yeah, of course. What do you mean? Well, you know the news. There's been all that flooding. Maybe going to Malaysia during the monsoon season wasn't such a good idea. Yeah, right. Right. Yeah, it grounded us for sure. You know, had some equipment failure, but you know, no one's hurt or anything. Well, as long as you guys are safe. So, are you going to start work tomorrow? Postponed, actually. Looks like we're going to need maybe another 10 days or so. Ugh, 10 days? Hey, well, why don't I just go ahead and buy a ticket, then? You know, you don't have to do that. It's fine. I mean... You know, these guys always overestimate things. I'm sure it'll be less time than that. Okay, well, you know, don't rush. Make sure that you're safe. Oh, I will. Always do. Listen, I'm sorry, I gotta go. Jameson's calling me over. Okay. झूठ पे झूठ बोल रहा है नेट। Love you too. नेट ने झूठ बोला है कि जेमसन के साथ आया हुआ मलेशिया में काम करने, जबकि अपने भाई के साथ निकला हुआ है। इलीना को अब शक हो रहा है। इलीना आने वाली है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। इलीना बचाई, ये है नई लोकेशन। और इसी के साथ आज के गेम प्ले हम लोग खत्म करेंगे। भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो।